और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 9 नाइजीरिया मूल के नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। 300 करोड़ की एमडीएनए ड्रग्स बरामद की गई है। सीएम योगी ने कल ही की थी बैठक और ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए थे और आज ग्रेटर नोएडा में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नाइजीरियन है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है पुलिस ने, अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 9 नाइजीरिया मूल के नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। 300 करोड़ की एमडीएनए ड्रग बरामद हुई है। सीएम योगी ने कल ही ली थी बैठक और ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए थे। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 9 नाइजीरिया मूल के नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जहां पे कि 200 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स हैं वो बनाने वाली जो फैक्ट्री उसका भंडाफोड़ किया। मेरे साथ में नोएडा की कमिश्नर सीपी जो सीपी हैं लक्ष्मी सिंह वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जो आज ये रिकवरी की गई और जो लोग पकड़े हैं कहां ये काम करते हैं? देखिए, मुखबिर की सूचना पर ट्रैप लगा के हमारे क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, उससे कड़ाई से पूछताछ करने और उसकी निशानदेही पर इस लैब की रिकवरी की गई है। 3 मंजिला मकान में अफ्रीकी मूल के नागरिकों के द्वारा यहाँ पर कमर्शियल मात्रा में ड्रग एमडीएमए मेथ का प्रोडक्शन किया जा रहा था। जो तैयार व्हाइट प्योरेस्ट फॉर्म का मेथ रिकवर हुआ है वो 46 केजी की मात्रा में रिकवर हुआ है। इसके अतिरिक्त अर्ध निर्मित और ब्राउन मेथ की भी रिकवरी हुई है। बैलेंस में सोल्यूशन रिकवर हुआ है और भारी संख्या में भारी मात्रा में रॉ मटेरियल रॉ केमिकल्स भी रिकवर किए गए हैं। मैडम, नोएडा में जैसे कि एजुकेशन हब है, क्या वहाँ पे भी इनके सप्लाई, किन किन जगहों पे इनके सप्लाई और कौन लोग इसके पीछे इतना बड़ा जो है? नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी सिटीज में इनका सप्लाई का नेटवर्क अब तक की इंट्रोगेशन रिपोर्ट में पाया जा रहा है। देश के बाहर भेजे जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैडम, इसकी पूरी कीमत की अगर बात करें, लगभग कितने कीमत की? तैयार व्हाइट मेथ जो 46 केजी की रिकवरी हुई है उसकी लगभग 200 करोड़ बाजार मूल्य आंका गया है। बड़ा कार्य किया गया है मैम, क्या इनाम रखा गया है? इस टीम के द्वारा जो रिकवरी की गई है उसको हमारे द्वारा 50,000 का इनाम दिया जा रहा है। थैंक यू मैम। ने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से जो 50,000 का इनाम है वो दिया गया है क्योंकि टीम ने बहुत बड़ा कार्य करा है। कई जगहों पर, कई स्टेटों में यहाँ पे सप्लाई की जाती थी। प्राणा भारद्वाज, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि पुलिस ने हासिल की है और यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में ड्रग्स बरामद की गई है। 200 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है। उसमें बहुत सारा, अगर आप उसके केमिकल कंपोजिशन के पीछे जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर विद द सही केमिकल। जो अभी तक हमने प्राइमा फेसी टेस्ट कराया है, डेट इज़ अ जो मेथ रिकवरी हुई है वो हाईएस्ट यानी प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की रिकवरी हुई है। और इस प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की मैन्युफैक्चरिंग बिना ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, बिना लंबे अनुभव के मैन्युफैक्चर किया जाना संभव नहीं। किसी का कोई आपराधिक इतिहास इससे पहले? इसको ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि विदेशी नागरिक हैं, इसलिए कंसर्न्ड एम्बेसी को भी इन्फॉर्म किया गया है और इनके देश से भी इनकी सूचनाएं इकट्ठी की जा रही है। मैम, इसमें इसमें ये कोई साइंटिस्ट भी है? क्योंकि ये आप बता रही जिस तरीके से हाई क्वालिटी वाले ड्रग्स तैयार, फिलहाल किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी केमिस्ट का नाम इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन जो कमर्शियल पैमाने पर इनका प्रोडक्शन है उसको लेकर इसकी संभावना भी टटोली जा रही है। इस पर भी हमारी कभी इसकी शिकायत मिली थी मैम लोकल पुलिस स्टेशन में कि इस तरह का? ये बहुत गोपनीय, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा बहुत गोपनीय रूप से इस नेटवर्क को, आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को लंबे कैचमेंट के साथ पकड़ा जाना मुश्किल काम होता है। बहुत लंबी अवधि के धैर्य से काम करने के परिणाम स्वरूप इतनी अधिक मात्रा में और इस चलती हुई लैब को हमने रिकवर आज किया। मैम, जांच की ट्रेन में कुछ अब तक सामने आया है ये लोग सप्लाई कहाँ करते थे, या ये सिर्फ नोएडा दिल्ली एनसीआर में तो नहीं करते होंगे? नहीं, जिस हिसाब से वो हुआ है ये नॉर्थ इंडिया में बहुत जगहों पर इसकी सप्लाई नेटवर्क की आशंका अभी हमने इंट्रोगेशन में ये बात खुलकर आएगी।